हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ हन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक फिर नई रेसिपी के साथ आए हैं। दोस्तों, ये हमारा रेसिपी बहुत कम समय और कम सामान में बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। दोस्तों, ये रेसिपी चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने ये 2 से 3 उबाल किया हुआ हमने आलू ले लिए हैं। उसको अच्छे से हमको मिक्स करके डो बना लेना है आटे की तरह, और हमने उसमें नमक डाल दिए और अमचूर पाउडर डाल दिए। स्वाद अनुसार आप नमक डाल देंगे। और दोस्तों, हमने कढ़ाई को अच्छे तरह से गरम करके उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिए, और उसके बाद से हमने ये कटी हुई हरी मिर्च है 2, उसको डाल दिए। ये अदरक और लहसुन है, हमने दरदरा सा थोड़ा सा कूट लिए हैं और उसको भी डाल दिए। साथ ही हमने दोस्तों प्याज को भी डाल दिए, और उसको चला लेना है ऊपर से नीचे से, और थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, उसको लाल नहीं करना है। साथ ही दोस्तों हमने हल्दी पाउडर डाल दिए कि कलर आ जाएगा उसमें, अच्छा देख सकते हो दोस्तों। और उसके बाद से हमने ये जो आलू को मिक्स करके डो बना कर रखी थी उसको भी साथ ही डाल दिए, और ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दिए 1/2 स्पून, और दोस्तों इसको, और काली मिर्च और ये जीरा पाउडर है दोस्तों हमने साथ ही डाल दिए, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। ये 1/2 स्पून गरम मसाला है दोस्तों, उसको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये धनिया पत्ता है उसको भी डाल लेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं हम किस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, उसके लिए हमने 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच से बैटर बनाने के लिए हमने बेसन लिए हैं, और उसमें हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर डाल दिए हैं, और उसको बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा थिक बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। दोस्तों देख सकते हो हम किस तरह से हमने बनाए। दोस्तों, बेसन का थोड़ा कमी लग रहा है, तो हमने उसमें 1 चम्मच और बढ़ा दिए, और उसको अच्छे से घोल बना लिए। दोस्तों, हमने इसको क्या करेंगे कि हाथ में ऑयल लगाकर अच्छी तरह से इसको बॉल बना लेंगे। बॉल बनाकर, और इसको देख सकते हैं हम किस तरह से सारे बॉल बनाकर और तैयार कर लिए दोस्तों। और इस बैटर में ऐसे इसको डुबा कर ऐसे ऊपर नीचे करके, और हमने गरम किया हुआ ऑयल में इसको डाल देंगे दोस्तों। और इसको देख सकते हो दोस्तों, हम इसमें ऑयल में डालकर फ्राई कर रही हूँ इसको। तो 1 से 2 मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। देख सकते हो दोस्तों, हमारा ये नाश्ता रेडी हो गया ये। और ये हमारा रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, हमने तोड़ कर दिखाते हैं। बहुत सॉफ्ट बना है दोस्तों। आप ये ग्रीन चटनी या रेड चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा रेसिपी कैसी लगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।